यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बटन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जय भी सैबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात करें। जय भी का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंक के क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। यहाँ हमारे पास जय भी का वीडियो कोर्सेज होता है, जिसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, क्वेश्चन सेट का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिविजन नोट्स हो जाएगा, दोनों ही जगह। एक जगह वैलिडिटी 6 महीने का रहता है, दूसरे का वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहता है। अब पेपर IIFS करते हैं, दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप PPP करते हैं, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप AFBM करते हैं तो इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। अगर आप RBWM करते हैं, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे, दाम है 2000 रुपये, या दाम है 3000 रुपये। पहले में आइए, डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज़। डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीफ्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। बोलते सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, बिलीफ्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, जिसके माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करता है मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्या होगा सही? तो इसमें हो जाएगा कॉर्पोरेट कल्चर सही है, उसी कॉर्पोरेट कल्चर होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ये ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। सही ऑप्शन है ए, 1 ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2, इथिक्स इन वर्क प्लेसेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। इथिक्स जो होता है वर्क प्लेस पर मैनेज कर सकते हैं यूज करके, क्या चीज़ का यूज़ करना है? पहला पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ इथिक्स। तो ये ऑप्शन दिया ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। जो इथिक्स होता है वर्क प्लेस में, आप इसको बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, जो पहला पॉइंट है कोड ऑफ इथिक्स के माध्यम से, कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ इथिक्स के माध्यम से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विथ, बिजनेस इथिक्स प्राइमरली किस से डील करता है? ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बींग अनफेयर टू द कॉम्पिटिशन। जो बिजनेस इथिक्स होता है वो डील करता है मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वेन। जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी का, तो वर्कर बहुत संभावना है कि इथिकली और लीगली बिहेव करेगा कब? ए ऑप्शन है मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, बी ऑप्शन है आपका वर्कर हैज इंटेंस मॉरल्स, और वर्कर के पास बहुत इंटेंस मॉरल है, तो सी ऑप्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर माइनर, जो नतीजा होगा एक्ट का बहुत ही कम होगा, डी ऑप्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, कंसिक्वेंसेज जो होगा एक्ट का बहुत ही ज़्यादा होंगे। जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी का, जब वर्कर है कि बिहेव करेगा इथिकली और लीगली कब करेगा? जब मैनेजर सॉरी जब जो उसका नतीजा होगा एक्ट का बहुत ही ज़्यादा होगा, सब्सटेंशियल, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सा बात सही है? ए ऑप्शन पहला पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। तो विसल ब्लोअर्स एक तरह का एम्प्लॉयज होता है संगठन में, जो कि अपने नॉर्म प्रोसीजर से ज़्यादा जाके लॉयल्टी साबित करते हैं एम्प्लॉयर से, और ये बताते हैं क्या गलत हो रहा है पब्लिक गुड में, ठीक है। बी ऑप्शन दूसरा पॉइंट हो जाएगा विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज डेट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशन इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विसल ब्लोअर्स तक एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी ड्यूटीज से भी ज़्यादा हटके काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन से हटके काम करते हैं, ताकि हाईलाइट कर सके संगठन में क्या क्या गलत हो रहा है। ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ विसल ब्लोअर के संबंध में कौन सी बात सही हो जाएगी? पहला जो पॉइंट है यानी ओनली 1 सही होगा, जहाँ पे ये बोला जा रहा है विसल ब्लोअर एक एम्प्लॉई संगठन का जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा जाते हैं और लॉयल्टी रखते हैं एम्प्लॉयर से, इसलिए वो गलत, इसलिए जो भी कुछ गलत होता है तो बताते हैं पब्लिक गुड में, पहला पॉइंट ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच मॉरल फिलोसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कौन से मॉरल फिलोसफी बताता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए? ए ऑप्शन कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन इथिकल फॉर्मेलिज्म। सही ऑप्शन है बी, यूटिलिटेरियनिज्म, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट और कोड्स ऑफ इथिक्स के बारे में। ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दे डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन हो जाएगा बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर ए कंपनी हैज़ बीन इन लीगल ट्रबल, जरूरत तब पड़ता है जब कंपनी एक बार लीगल ट्रबल में फंस जाती है। सी ऑप्शन है आर डिजाइंड फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉय, डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर्स के लिए ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए।
डी ऑप्शन है रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम, बहुत रेयरली होता है कभी एक इफेक्टिव कंपोनेंट बन पाएगा इथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और कोड ऑफ इथिक्स क्या है, एक तरह फॉर्मल स्टेटमेंट जो बताता है मैं क्या करना चाहिए अपने एम्प्लॉय से। मतलब कोड ऑफ इथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वही दर्शाता है कि एक तरह फॉर्मल स्टेटमेंट है क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से, ए स्टेटमेंट ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इथिक्स मीन्स, इथिक्स का मतलब क्या है, पहला पॉइंट है करेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। इथिक्स का मतलब है पहला पॉइंट करेक्टर भी सही, दूसरा पॉइंट मैनर भी सही, तीसरा पॉइंट कस्टम भी सही है। तो ये ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3, सही ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, पेरे टेक्स ए ट्रेंड व्यू पॉइंट ऑफ इथिक्स, ही विल देयरफॉर जज ए बिजनेस डिसीजन टू बी इथिक ऑल्सो एज लॉन्ग एज, बोलते हैं पेरे का ट्रेंड व्यू पॉइंट है इथिक्स का, जहाँ वो जज करते हैं बिजनेस डिसीजन को इथिक, तब तक ए ऑप्शन है मोर गुड एंड बैड रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो बुरे रिजल्ट से डिसीजन से, बी ऑप्शन है एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर किसी को फेयरली ट्रीट किया जाए, सी ऑप्शन है सर्टेन राइट्स आर नॉट वॉयलेटेड, कुछ राइट्स जो वॉयलेट ना हो, डी ऑप्शन हैज़ गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, और गुड कैरेक्टर इंटीग्रिटी हो, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट, तीन मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज है जो इंक्लूड किया गया उसमें छोड़ के क्या छोड़ना है, ए ऑप्शन कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन सिस्टमेटिक इश्यूज, सी ऑप्शन कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन इंडिविजुअल इश्यूज। तो कम्युनिकेशन इश्यूज का आप छोड़ दिए, इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं है, बाकी सिस्टमेटिक इश्यूज, कॉर्पोरेट इश्यूज, इंडिविजुअल इश्यूज ये सारे इथिकल इश्यूज के पार्ट हैं, जिसमें हो जाएगा सही ऑप्शन ए। ये हमारे पास जेवी का वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिविजन नोट्स मिल जाएगा, वैलिडिटी 6 महीना रहेगा और यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहेगा। पेपर करते हैं अगर आप IEIFS तो 600 रुपये दाम है, यहाँ 1200 रुपये दाम है, अगर आप PPB करते हैं दाम है 600 रुपये, इस दाम है 1200 रुपये, अगर आप AFBM करते हैं दाम 800 रुपये, इस दाम है 1500 रुपये, अगर आप RBWM करते हैं दाम है 600 रुपये, इस दाम है 1200 रुपये, अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं 4 पेपर का, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4×9=6857, वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudiomill.com, ईमेल आईडी हो जाएगा cdc923@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू वेरी मच।